हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा येट अगेन और एक अनदर वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे हिसाब से। और ये जो अब सीरीज ऑफ वीडियोस मैं करने वाला हूँ वो ये है कि जो बहुत सारे हम टेक्नीशियंस के लिए यू नो जो बहुत सारे टेक्नीशियंस हम समझते हैं कि जी कि कोई एक चीज़ का हवा बना हुआ है, उसको हम डीकोड करेंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो टुडे आज का जो वीडियो है इट इज़ बेसिकली ऑन ऑसिलोस्कोप, ऑटोमोटिव ऑसिलोस्कोप। और मसला ये है कि हम इससे पहले कि ये वीडियो को शुरू करें तो हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अ वेरी ब्रीफ थिंग, बाकी आप लोग पूरा यूट्यूब पूरा गूगल भरा हुआ है, वो आप अपनी नॉलेज को यू नो यू कैन टेक इट देयर। सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, राइट? एंड हम इसमें नहीं जा रहे हैं वो एसी है कि डीसी है। अब बिजली के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज कि बिजली को हम फील कर सकते हैं, करेक्ट? अगर हम फील करेंगे करंट लगेगा, विच एवर। बिजली को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि मेजरिंग इक्विपमेंट है। बिजली को क्या हम देख सकते हैं फिजिकली? क्या हमारे पास ऐसी आंखें हैं जो हम बिजली को देख लें तारों में क्या हो रहा है? नो। अब कहाँ पे हम लोग क्या है कि अगर हम मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हम बिजली को मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर दी वोल्टेज, हम मेजर करंट भी कर सकते हैं, करंट क्लैंप हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर। जो ऑसिलोस्कोप है उसकी ज़रूरत क्यों हुई? ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत यूँ हुई कि जब हमारी पुराने ज़माने की एम्बेसडर, फीएट या जो भी वो गाड़ियाँ थी उस टाइम हमारे को मल्टीमीटर बहुत था, हमारे को डिजिटल मल्टीमीटर की भी ज़रूरत नहीं थी, एनालॉग से काम चलता था। जब हम ओबीडी वन में आए तब भी हमारे जो सेंसर थे वो इतने बेसिक थे कि हम लोगों को तब भी ऑसिलोस्कोप की कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं। जिन लोगों ने वो चींटी को तोप से मारने की कोशिश की, जाहिर सी बात है ऑसिलोस्कोप यूज़ किया होगा, एंड ऑसिलोस्कोप वहीं से डेवलप हुए। ऑसिलोस्कोप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, अगर आपके पास कोई भी टीवी का या रेडियो का या आज की डेट में जो मोबाइल के रिपेयरर्स हैं, अगर आप उनसे बात करो तो उनके लिए ऑसिलोस्कोप जो है एक बाएं हाथ की चीज़ है। लेकिन उनका जो ऑसिलोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उनके यू नो पैटर्न्स कैसे चेंज होते हैं, फंडा वही है। लेकिन जो हमारा ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है वो टोटली डिफरेंट है। ऑसिलो हम लोगों को कहाँ पर ज़रूरी हुआ? जब हमारा वी वेंट इनटू ओबीडी टू, और ओबीडी टू के बाद भी जब हमारे जो सेंसर्स हैं और जो यू नो सेंसर जो है वो पोटेंशियोमीटर और ये सिंपल सिंपल चीज़ों से हटके वो आपके यू नो वी गॉट इनटू क्रिस्टल डिजिटल, उसमें तो ऑसिलोस्कोप जो है वो ज़रूरी हो गया। अब बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़ हम लोग जैसे ऑसिलोस्कोप में कुछ चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि हम ऑसिलोस्कोप में रेजिस्टेंस कितनी है वो मेजर नहीं कर सकते, हम ऑसिलो में कंटिन्यूटी मेजर नहीं कर सकते। ऑसिलो में हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं लेकिन करंट क्लैंप के साथ। करंट क्लैंप को क्या करता है कि जो तार में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको करंट क्लैंप इंटरप्रेट करता है वोल्टेजेस में, और हम ऑसिलो में उसके ट्रेसेस को पढ़ते हैं। हाँ, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को हम ऑसिलो में पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें हम मल्टीमीटर में नहीं देख सकते वो हम ऑसिलो में देख सकते हैं। ऑसिलो में क्या है कि जो उसका बेसिकली जो यू नो जो जैसे मल्टीमीटर है उसका जो सैम्पलिंग रेट है वो एक बहुत स्लो है। ऑसिलो का जो सैम्पलिंग रेट है वो बहुत फास्ट है, इसलिए ऑसिलोस्कोप में हम लोगों को एक पैटर्न दिखता है, एक नोन गुड पैटर्न और एक मतलब एक इराटिक पैटर्न।
अब फॉर इंस्टेंस और ऑसिलो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेट अस डीकोड द ऑसिलो। ऑसिलो कुछ नहीं है, एक एडवांस्ड मल्टीमीटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इतना जो हवा बनता है ऑसिलो में और ये एंड वो, बिलीव यू मी, जितना सिंपल मल्टीमीटर चलाना है उतना ही सिंपल ऑसिलो चलाना है। सिर्फ ये है थोड़ा सा सेटअप वेटअप में तारे वारे इधर उधर लेनी पड़ती हैं। मल्टीमीटर इज ईजियर, थोड़ा सा सिंपल है, ऑसिलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा नहीं। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। अब ये एक गाड़ी है जिसके ऊपर मैंने ये इंजेक्टर के, ये दिखा यार, ये 80 वोल्ट पे, ये कितना 20 है, नहीं 80 पे आ गया। ओके, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अभी से बार बार उठी आ रहा है। एनी वे वी गोइंग टू चैनल ए एंड यह वी आर लेट अस से कि हम इसे 80 वोल्ट पे ही ले लेते हैं यार। यू कैंसल कॉन्फ़िगरेशन चैनल ए, वी टेक इट टू 40 वोल्ट या 80 वोल्ट। ओके, लो अब जब ये है, ये आपका इंजेक्टर पैटर्न है। अगर मैं ट्रिगर करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। इंजेक्टर का आई थिंक चैनल बी, चैनल बी, चैनल बी, एनीवे हम आते हैं। सी दिस इज द पैटर्न दैट इज हैपनिंग। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। बेसिकली वो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन जस्ट डू इट। एंड अब ये आपका इंजेक्टर का पैटर्न है। गाड़ी से मल्टीमीटर निकाल। अब मैं आपको मल्टीमीटर का पैटर्न दिखाता हूँ। ये हमारे दो इंजेक्टर हैं एंड आई थिंक ये मेरे ख्याल से वायर लूज हो गई। एक सेकंड, या जैसे मैं दिखा रहा था, ये चैनल बी है, ये इंजेक्टर नंबर टू है, ये रहा हमारा इंजेक्टर नंबर वन। सो बेसिकली हम लोग पैटर्न देख सकते हैं। अब अगर मैं सेम लाइकवाइज अगर आप इधर आए, ये आपके, आप देख सकते हो कि ये मैंने दूसरा ऑसिलोस्कोप जो ओटेल का है कैनबस के ऊपर लगाया हुआ है। ये आप चैनल ए में कैन हाई और कैन बी, एज यू कैन सी कि ये मैंने ऑसिलो लगाया हुआ है और ये आपका कैनबस में कैन है, कैन ए आपका मतलब चैनल ए आपका कैन हाई है, चैनल बी आपका कैन लो है। सो यू नो एंड यू कैन सी कि हम लोगों ने जो इसको लिया हुआ है 200 माइक्रो सेकेंड्स पे, तो ये ट्रेसेस हमारे को 200 माइक्रो सेकेंड पे दिख रही हैं। अगर मैं इसको 100 माइक्रो सेकेंड पे देखता हूँ तो ये और फाइन हो जाती हैं, राइट। अगर मैं, वी वॉन्ट टू स्टॉप इट, लेट्स से बट वील कीप इट टू 200। अगर मैं इसको फॉर इंस्टेंस दो मिली सेकेंड पर जाता हूँ तो ये आ जाता है। अगर मैं इसको 200 इस पर आता हूँ तो ये दीवा दी पैटर्न्स। ट्रिगर ऑन, ये देखिए। सो दीवा दी पैटर्न्स जो आपको आते हैं। सो अब ये अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करने की कोशिश करें तो इट इज इम्पॉसिबल। बात यह है, लेट्स कीप इट सिंपल। और अगर तू मल्टीमीटर ले आया, एक सुई दे मेरे को।
एक फुई। अब ये इंजेक्टर नंबर 3 में मैं ये एक पिन लगाता हूँ, ओके, एंड हम इसको इसको यार ऐसे पकड़, एक बार रुक जा, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड ले लेता हूँ। ग्राउंड आ गया, अब जैसे हमने मल्टीमीटर ये तीसरे इंजेक्टर में लगाया है, ये दो इंजेक्टर का आप देख लें दोबारा, अगर मैं ये इंजेक्टर नंबर 2 है, ये इंजेक्टर नंबर 1 है, वी कैन सी कि ये हमारे पैटर्न्स आ रहे हैं, करेक्ट। अब हमने ये मल्टीमीटर लगाया, इसको वोल्ट डीसी पे लिया, मैंने चेक करा जी वोल्टेज 14.32 है। अब मैं अगर इस इंजेक्टर को ले रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ वोल्टेज, राइट। इससे मैं क्या पता कर लूँगा कि मेरे इंजेक्टर में कोई कमी है या नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी इसको मैं फ्रीक्वेंसी में ले लेता हूँ, राइट, एंड आई टेक इट इनटू फ्रीक्वेंसी जो कि मेरे एसी मोड में आएगी, हर्ट्स। लो, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी भी लेता हूँ, क्या समझ आ रहा है हमारे को। लेट से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, सेम इसकी फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, सेम। लेकिन अगर माइनर मेरे को ट्रेसेस को देखना है कि मेरे जो ट्रेसेस हैं वो क्या एक इंजेक्टर से दूसरे इंजेक्टर में फ़र्क आ रहा है, तो ऑसिलोस्कोप यूज़ करना ज़रूरी है, नंबर 1। और बैक प्रोबिंग के बारे में पहले भी वीडियोज़ हैं, और बैक प्रोबिंग में कई अरुण देव का आप वीडियो चेक कर सकते हैं, वो बैक प्रोबिंग काफ़ी करते हैं। लेकिन बैक प्रोबिंग इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। दी रियल थिंग इज़ कि हम लोग जो हमारे दिमाग में इतना मिथ भरा हुआ है कि ऑसिलोस्कोप जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, माई फ्रेंड बिल्कुल नहीं। ऑसिलो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब बिकॉज जो हमारे जो सेंसर्स हैं वो उनकी जो स्पीड है, जो वो मैसेजेस देते हैं ईसीयू को, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। कोई भी मल्टीमीटर आपके माइक्रो सेकेंड्स में नहीं जा सकता, नैनो सेकेंड्स में नहीं जा सकता, ऑसिलो जा सकता है। और ऑसिलो आपको ट्रेसेस यूँ देता है क्योंकि वो सैम्पलिंग 20 मिलियन 40 मिलियन पर सेकेंड सैंपल्स ले रहा है। मल्टीमीटर आपके जो सस्ता मल्टीमीटर है प्रॉब्ली 1 सेकेंड में 2 सैंपल लेता है, फ्लूक जैसा महंगा मल्टीमीटर प्रॉब्ली 100 सैंपल लेता हो। और ऑसिलो क्या महंगा है? नहीं, ऑसिलो महंगे होते थे, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं और उन्होंने प्राइसेस को बहुत सस्ता कर दिया है। और ऑसिलो में एक और फ़ायदा है, जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में ऑसिलो का जो हमारे को फ़ायदा ये रहता है कि हमारे को दुनिया जान के प्रीसेट्स हैं, आपने इंजेक्टर चेक करने हैं तो कॉइल टाइप चेक करने हैं आप प्रीसेट में जा सकते हो, आपने पीएसओ करने हैं पीएसओ में जा सकते हो, आपने नॉक सेंसर करना है नॉक में जा सकते हो, आपने क्रैंक सेंसर करना है उसमें जा सकते हो। वो आपको बता देगा कि आप इंडक्टिव चेक कर रहे हो, हॉल इफेक्ट चेक कर रहे हो। ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको अपने आप सीखनी पड़ेंगी कि गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, हॉल इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये स्कोप वीडियो के स्कोप से बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा। बट ये है जो मैं आपको एक ब्रेकडाउन कर रहा हूँ, ऑसिलो एक बहुत ही एडवांस्ड मल्टीमीटर है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सिर्फ ऑसिलो के साथ भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ मल्टीमीटर के साथ भी काम नहीं चलेगा। सो बेसिकली एक्सपेंसिव नहीं है। पहले हमारे जितने भी फ्रेंड्स होते थे ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस, वो मल्टीमीटर से डरते थे। मल्टीमीटर को आपने अगर अच्छी तरह समझ लिया है, ऑसिलो आपके लिए कुछ भी चीज़ नहीं। और जितने भी ये हवे बने हुए हैं ऑसिलो के, डोंट वरी, इसमें कोई इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑसिलो आपको वो चीज़ें पकड़ के दे देगा
जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स में आप मिस कर जाओ। आने वाले टाइम में जस्ट फूड फॉर थॉट, इमेजिन करो ये एक सिंपल सी गाड़ी है, अगर मैं आने वाले टाइम में इसके सस्पेंशन के लिए एक सेंसर लगाना चाहता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है? फूड फॉर थॉट, मैं आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें पूछ रहा हूँ। मैं पोटेंशियोमीटर लगाना चाहता हूँ कि अगर गाड़ी बाउंस करेगी कि मेरा सस्पेंशन ख़राब है कि नहीं, और अगर मेरे को एडवांस में जाना है तो मैं पीजो एलिमेंट्स लगाना चाहता हूँ, क्या मेरी गाड़ी बाउंस कर रही है कि नहीं। अगेन, बहुत सारी जो अडेप्टिव एयर सस्पेंशन की गाड़ियाँ हैं जिसमें एरोमेटिक्स है, आज तक वो पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं, बट क्या हम नॉर्मल गाड़ियों में ये चीज़ें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या ये आने वाले टाइम में होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या जो मेरी ब्रेक लग रही है, ब्रेक में मेरे वाइब्रेशंस हैं, क्या मैं उसके लिए एक सेंसर लगा सकता हूँ वाइब्रेशन को रीड करने के लिए? यस। तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो आपके यू नो वोल्टेज डिफरेंसेस हैं, और वो कितने, और वो सेंसर किस मिली वोल्ट्स या वोल्ट्स पे कैलिब्रेटेड है, कितना वो ऊपर नीचे जंप करते हैं, क्या हम आने वाले टाइम में ये चीज़ें देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं और देखेंगे। सो द थिंग इज, अपने टेक्नोलॉजी मतलब जो अपनी ट्रेनिंग है, आपकी नॉलेज उसको पढ़ाओ, टूल्स में इन्वेस्ट करो, नॉलेज में इन्वेस्ट करो, थिंक, सोचो कि एक सेंसर क्या क्या कर सकता है, एक जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और वो अगर मल्टीमीटर से हम चाहते हैं कि पकड़े, नॉट पॉसिबल। बट अगेन, बिफोर आई साइन ऑफ, ऑसिलो महंगे नहीं है, पीसी बेस्ड एप्लीकेशन भी हैं, स्टैंड अलोन भी हैं, नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। मैंने आपको ये दो ऑसिलो दिखा दिए हैं, एंड आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली मैं डाइटेक्स का या पीको का एक और लूंगा। सो अगर आप अच्छे डायग्नोस्टिशियन बनना चाहते हो, इन्वेस्ट इन गुड टूल्स, घबराओ नहीं, दे आर प्रेटी सिंपल। हाँ, आपकी जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है, दैट शुड बी स्पॉट ऑन। और ऑसिलो से आप कुछ बिगाड़ लोगे, इम्पॉसिबल, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, चाह के भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, वो अलग बात है कि आपको रीडिंग ना मिले, लेकिन बिगाड़ आप कुछ नहीं पाओगे। सो टिल देन, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं, वी विल कवर अप ऑन अ डिफरेंट डिकोडिंग मिथ। जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी लोग इसको हवा बनाते हैं, वेरी सिंपल। चीयर्स, टेक केयर।